आज का है, आज हम लोग बनाएंगे हाउस ट्यूटोरियल। तो हाउस ट्यूटोरियल के अंदर आप मेरा जो पीछे घर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग नौ की चौड़ाई होनी चाहिए और आठ की लंबाई होनी चाहिए, मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे वैसे होगी। तो अब हम लोग ला लेते हैं ब्लॉक। ये लगता है मैंने नौ की जगह आठ कर दिया, इसको नौ हो गया। अब जो है हम लोग ये लगा लेते हैं। अब हम लोग सात ब्लॉक ऊपर कर लेंगे, सात ब्लॉक डाउन कर लेंगे, उसके बीच में हम लोग लगाएंगे डाउन प्लैंक्स, डार्क वुड वाली प्लैंक्स लगा लेते। चारों तरफ भर लेंगे डार्क वुड प्लैंक्स। और उसके ऊपर फिर हम लोग को ऐसे रखना होगा जैसे कि एक दो तीन चार पाँच लगा के फिर उसके बाद चार रखना, फिर दो कर देना, ठीक है, दो प्लैंक। फिर से हम लोग इसके जैसे बनाएंगे, चार के ऊपर तीन लगाने ताकि सामने आमने सामने एकदम बराबर हो जाए और अगल बगल जैसे बनाया भी बनाया वो। और इसके बाद जब हम लोग का वो चार प्लैंक और तीन प्लैंक अलग, उसके ठीक आगे हम लोग को ये लॉग लगा लेते हैं, वुड लॉग लगा लेते हैं। इसके बाद हम लोग उसके बगल में स्टेयर्स लगा लेंगे। तीन स्टेयर्स ऐसे रख लेंगे, फिर उसके जो बगल में है उसके नीचे एकदम जैसे आगे का है ऐसे कर लेंगे आगे की तरफ, ठीक। फिर उसके बाद जो हम लोग को यहाँ से एक दूसरे के सामने कर लेंगे स्टेयर्स को जैसे लगा के। फिर उसके बाद हम लोग के बीच में ये प्लैंक लगा लेते हैं, स्लैब वुड स्लैब। फिर उसके आगे हम लोग दो बार स्लैब लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसके ठीक यहाँ पर प्लैंक लगाएंगे, स्टेयर्स लगाने के बाद अगल बगल ऐसे ही सेम लगा ले रहे हैं, स्टेयर्स ऐसे लगा ले रहे हैं तब अच्छा रहता है। और कुछ इस तरीके से हम लोग को लगा ले रहे हैं स्टेयर्स ताकि जुड़ जाए और एक दिशा मिल जाए, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग स्टेयर्स की लाइन लगा लेते हैं, इसके अगल बगल दोनों सेम होगी, आमने सामने सेम होगी। तो अब ऐसे स्टेयर्स लगा लेनी है कुछ इस तरीके से, आमने सामने वैसे ही कर लेते हैं जैसे उधर से कर। इसके बीच में प्लैंक्स लगा देंगे, प्लैंक स्लैब ओक स्लैब्स जैसे इधर साइड है जैसे इन लोग को लगा लेना इधर से। फिर उसको सामने स्लैब लगा लेते हैं, डबल हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे भी सही है।
तो जैसे स्टार्ट लगा लिया हमने, और हम लोग दोबारा से अब स्टेट लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को पीछे साइड जाना है, और यहाँ पे ये लगा लेंगे वो डॉक्स लगा लेंगे, इधर से लगानी है हम लोग को। ठीक, इसको हटाते हैं। ठीक, अब वैसे मेरे ख्याल से इधर उसके बाद हमें ऊपर जाके इधर का हिस्सा डाल देंगे, ताकि हम लोग कॉपर स्टोन स्लैब लगा सकते। ठीक है, यहाँ पे कॉपर स्टोन स्लैब लगेंगे, और इधर इस साइड पे कॉपर स्टोन स्टेज लगाएंगे। तो पहले स्लैब लगाते हैं, ठीक है। इधर साइड पर मैंने अभी कॉपर स्टोन स्टेज लगा ली, उधर साइड जब मैं दिखाऊंगा वैसे ही सामने जाने वाले हैं। ठीक है, तो जो ऐसे डालते हैं अब उसमें ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बटन लगाया यहाँ पे, ये यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग सामने सामने कर लेते हैं, ये कर लेते हैं इस तरीके से। फिर कबर स्टोन स्लैब ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है, ऊपर लगा लेते हैं बराबर हो जाता है। फिर नीचे जाके हम लोग इसको यहाँ पे आके ठीक उसके आगे तीन वुड लॉग ऊपर करना, चार वुड लॉग ऊपर करना, ऐसे लगा लेना। फिर हम लोग को स्पेस लेनी है, इसके अगल बगल ऐसे लगा लेना। ऊपर साइड पे हम लोग को नीचे ले आना है, उसे इसे तोड़ देते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। ठीक, यहाँ लगा लें, और फिर इसके बाद ऊपर वो स्लैब लगा लेते हैं, वो स्लैब ठीक है। ओके, ऐसे स्टेज लगा लेंगे हम लोग को, ये मैंने लगता है स्टेज से सुना नहीं है, मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे उसको लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर इधर आते हैं, सबको चार में लगा लेना है, ऐसे ये लगा लेना है सबको यहाँ पे शीशे। अब हम लोग को कुछ ऐसे चार ऊपर वो लॉक दोबारा से लगा लेना है, ऐसे ठीक ऐसे कर लेते हैं, ताकि बाद में ऐसे बनाएंगे ऐसे, और ऐसे उल्टा लगा लेना ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। और फिर हम लोग ऊपर आएंगे, और नीचे हम लोग स्लैब लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टेयर्स लगा लेंगे, पहले ग्लास लगा लेते हैं। अरे यहाँ ये दो लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर हम लोग स्क्रू फेंस लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से,
लगता है मैंने एक ओ फ्लैप कम लगा दिया है इसलिए, तो हम लोग इसको हटा के दोबारा से थोड़ा बढ़ा लेते हैं फ्लैप को, ओ फोर फ्लैप को। फिर यहाँ पे हम लोग स्टेयर्स कुछ ऐसे लगनी है कि मैंने गलत लगा दी, तो लॉक स्लैब्स कुछ ऐसे लगा देने हैं, बोर्ड लॉक लगा देना है ऊपर ऐसे, फिर हम लोग को ओक स्लैब्स ऐसे लगा देना है, और फिर हम लोग को स्क्रू फेंस लगा देनी है डेली में लगा देना है, फिर वह नीचे पार के नीचे हम लोग को कॉबल स्टोन भर देना है। बहुत इजी है घर को बनाना, तीनों तरफ बनने में अगल बगल और नीचे, फिर उसके बाद हम लोग अब पीछे साइड से जाएंगे ऐसे ही सेम वहाँ पे भी करेंगे, वहाँ पर भी आके हम लोग बाहर चलेंगे। फिर हम लोग को ओक लॉग लगाने चार ऊँचा, ठीक चार लॉग ऊँचा, चार ब्लॉक ऊँचा, चार लॉग ऊँचा, अलग ऊँचा लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग को इधर साइड से स्टेयर्स लगा लेंगे, इस तरीके से स्टेयर्स लगा लेंगे जैसे उधर साइड बनाए। फिर वैसे ही हम लोग को स्टेयर्स लगानी है, इसमें भी लगता है मैंने गलत कर दिया, ठीक है इसमें मुझे उधर साइड से लगता है बढ़ाना पड़ेगा, वो क्लॉक हम इधर से बढ़ा देते हैं। ये स्लैब्स लगा दी हम लोगों ने, इसके ठीक बगल में वो क्लॉक लगा देते हैं, और फिर इसको हटा देते हैं हम लोग, वो स्लैब लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ओक वुड प्लैंक लगा लेने हैं कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। मैंने एक स्टेयर बढ़ा दी थी और दरवाज़ा थोड़ा ऊपर कर लिया है, इसलिए ऐसा होगा फिर कि ओक प्लैंक कुछ ऐसे लगा लेने हैं ताकि सारे दरवाजे बराबर हों। यहाँ पे नीचे तोड़ देते हैं और लैडर लगा देते हैं ऊपर जाने के लिए, कि पहले हम लोग जाते हैं इस दरवाजे को करते हैं नीचे जाके हम लोग नीचे का देखो, तो पहले हम लोग को यहाँ पर लगा देते हैं ये कॉबल स्टोन, ताकि नीचे का हम लोग का रास्ता बन जाए बढ़िया से बढ़िया लगता है। फिर ऊपर जाते हैं ये यहाँ है, मैंने इसको सही कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग को स्टेयर कुछ इस तरीके से ला देंगे, नीचे ला लेते हैं ऊपर, तो ये क्या हो रहा है ऐसे लगाते हैं, ठीक है कुछ ऐसे ऐसे, और फिर ऊपर लगा लेते हैं सबसे ऊपर, सबसे ऊपर लगा देना है हमको। फिर हम दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे, और ये हम लोग छत भी होगी, और यहाँ से हम लोग को ऐसा व्यू मिलेगा, और ये हम लोग को यहाँ पे मैं आपको आउटडोर फ्लोर दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तोड़ लेते हैं शीशे लगा लेते हैं, ठीक है फिर उसके बाद ये तोड़ लेते हैं ऊपर वाले में तीन लगा देते हैं, ये बढ़िया रहेगा। फिर हम लोग नीचे जाएंगे, ये ग्रास लिंग ग्रास टॉप
इसको लगा लेंगे कुछ ऐसे, आप लोग डॉट लगा सकते हैं कोई वो नहीं। यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे ओक्लॉक ट्रैप डोर लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे टावर लगा लेंगे, यहाँ पे ये लगा लेंगे गाला ली, ठीक है दोनों तरफ ऐसे। नीचे कॉबल स्टोन लगा लेंगे, फिर नीचे यही फ्लावर ऐसे लिया लीफ लगा लेंगे, फिर दूसरी साइड बालकनी साइड पे भी कुछ ऐसे लगा लेना अच्छा लगेगा, और यहाँ पे भी लगा लेना ठीक। इसको तोड़ते हैं और उधर जाते हैं हम लोग, यहाँ बालकनी साइड पे इसके नीचे मैं लगता है कॉबल स्टोन लगाना भूल गया, पर आप लोग लगा लीजिएगा ऐसे लगा लेना। इधर साइड पे मैं कॉबल स्टोन लगा देता हूँ कुछ ऐसे, फिर लगा देता हूँ इधर लगा देते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं मैं बाद में लगा लूँगा उधर साइड कॉबल स्टोन, पर मैं इधर ही कॉबल स्टोन लगाने वाली ये ट्रैप डोर लगा दी मैंने, इधर तोड़ देते हैं और वैसे ही कर लेते हैं। फिर तोड़ने के बाद ऐसे कर लेना है, फिर उसके बाद दोनों तरफ मैंने ऐसे कर लिया। फिर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा पूरा हाउस टूर, तो चलिए मेरा हाउस टूर देखें। और अब मैं जाने वाला हूँ सर्वाइवल में अंदर आपको दिखाने की, तो बढ़िया लगा हम लोग पहले अंदर जाएंगे। ये मेरा है वैसे डेकोर अंदर का, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते अपनी क्रिएटिविटी, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे बालकनी में जाएंगे ऐसे हो। ये मेरे सबसे ऊपर वाले फ्लोर का, ये यहाँ पे आर्मर लगा हुआ है और यहाँ पे ये हम लोग की शीशे से बढ़िया व्यू मिल रहा है, इधर वाले शीशे से अच्छा मिल रहा है। अब हम लोग सबसे नीचे जाते हैं और ये राम लोग करिए, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया मैंने डेकोर करा था यहाँ पे। आप लोग अपना अलग से करते हो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग ने इस माइनक्राफ्ट के अंदर हाउस टूर कराया आपको, और ये है हम लोग का माइनक्राफ्ट हाउस ट्यूटोरियल। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।